कल लगेगा सूर्य ग्रहण, आज रात 8 बजे से ही लग जाएंगे सूतक। वर्ष 2019 का अंतिम ग्रहण गुरुवार को पोष कृष्ण अमावस्या अवसर पर सूर्य ग्रहण के रूप में लगेगा। ये खंडग्रह सूर्य ग्रहण भारत, पाकिस्तान, चीन व खाड़ी देशों सहित दुनिया के अन्य भागों में देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण के दिखाई देने का कारण सूतक माना जाएगा। शास्त्रीय विधान के अनुसार सूर्य ग्रहण के स्पर्श के 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। पंचांगों के अनुसार भारतीय समय अनुसार गुरुवार को ग्रहण का स्पर्श प्राप्त 8:17 बजे होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटा 40 मिनट है। इस लिहाज से ग्रहण को मोक्ष पूर्व 10:57 बजे होगा। ग्रहण के स्पर्श के मुताबिक सूतक बुधवार की रात 8:15 बजे से लगेगा। इसके चलते शयन आरती के बाद मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे और फिर दोपहर बाद दूसरी पाली में खुलेंगे। पंडित पवन कुमार बताते हैं कि बुधवार को ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा व तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरुवार को ग्रहण के साथ ही धनु राशि में केतु के साथ 6 ग्रहों की युति हो रही है। इसके कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक हर दृष्टि से अशुभ संकेत मिल रहा है। देखिए, कल का जो ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण है और पूरे भारत में दृश्य होगा और ये ग्रहण कल 8:11 से दोपहर को 11 बजे तक रहेगा। उसका सूतक आज ही रात्रि को 8:15 से 8:30 बजे करीब लग जाएगा। और ग्रहण काल में ऐसा होता है कि अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, ग्रहण के बीच की अवधि में दान करना चाहिए और आखिरी के समय में तीर्थ का स्नान आदि ये होता है। और विशेष क्या तिल का दान है और जैसे सूर्य ग्रहण है तो गुड़, गेहूं और विशेषतः तिल आदि का दान हमें करना चाहिए। इस ग्रहण में जो राशियों पर प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार है कि कर्क, मकर, तुला, कुंभ और मीन इनके लिए शुभप्रद है, बाकी राशियों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए और ऐसा माना जाता है गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए और ग्रहण काल में भगवान का नाम जप स्मरण यही करना श्रेयकर होता है, तीर्थ का सेवन करना श्रेयकर है। आज अमावस्या कितनी बजे थी? हाँ, आज जो अमावस्या थी वह अपने 11:30 लगभग से आरंभ हुई थी तो कल 11 बजे तक रहेगी, लेकिन ग्रहण में रहेगी इसलिए आज ही पितृ अमावस्या मानी गई है।